नहीं हुई तो उसने क्या किया कि हमको कोई एसेसरी लिगामेंट दो। एसेसरी लिगामेंट का मींस क्या है, हमें भी नहीं बोलना है कि बाद में एक ज्वाइंट बननी है जिसको कि हमें एक्रोमियो क्लैविकुलर कहना है, एक्रोमियो क्लैविकुलर। अब यही पे एग्जांपल आ गया कि क्योंकि स्कैपुला का ही पार्ट रिक्वायर्ड है, स्कैपुला का ही पार्ट एक्रोमियम है, तो हमने क्या किया, हमने वहां पे फाइब्रस ज्वाइंट दे दिया, इट मींस कि फाइब्रस लिगामेंट्स दे दिया। अब वो क्या हो गया, अब वो साइनर्थोटिक हो गया, ज्वाइंट तो बनेंगे क्योंकि बोन टू बोन ही ज्वाइंट बननी है, अब उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है तो साइनर्थोटिक हो जाएगा, नेचर उसका साइनर्थोटिक, प्योरथोटिक भी नहीं होना है और ना ही डायर्थोटिक होना है, साइनर्थोटिक नो मूवमेंट, तो वहां पे क्या होंगे फाइब्रस ज्वाइंट, क्यों, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को स्टेबल करना है। अब हमने क्या किया कि सुपीरियर यानी सुपीरियर स्पेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और हमें पता है कि एक रोमियो क्लैविकुलर बनने वाला है, तो हमने क्या किया, हमने क्या एसेसरी लिगामेंट निकाली, एसेसरी लिगामेंट मतलब सपोर्टिव लिगामेंट्स, उसका क्या किया हमने कि एक्रोमियम और जो रिक्वायर्ड है इन दोनों को सुपीरियर एस्पेक्ट को यानी कि ग्लैनो ह्यूमरल ज्वाइंट का सुपीरियर एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ओरेको एक्रोमियल लिगामेंट दे दिया। सिंपल, कितने लिगामेंट्स हुए, स्कैपुलो ह्यूमरल, ट्रांसवर्स ह्यूमरल, ओरेको ह्यूमरल और ग्लैनो ह्यूमरल। अब कौन सा लिगामेंट चाहिए, अब जब हमने टैगिंग चारों तरफ से कर दी सुपीरियर एस्पेक्ट, क्योंकि इंफीरियर भी हमें पता है एक्सिलरी है, हमें कोई लिगामेंट अटैच नहीं करवाने और वो होगा भी नहीं, तो हमने क्या करना है सुपीरियर स्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब हमें चाहिए क्योंकि चार चीजें होती हैं जो कि किसी भी जॉइंट्स को स्टेबल रखती है, वो चार चीजें कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं कि देयर इज द आर्टिकुलर सर्फेसिस बिटवीन द बोथ जॉइंट्स, मतलब कि वो जॉइंट्स, और सेकेंड चीज क्या होती है द लिगामेंट्स बिटवीन द जॉइंट्स और द मसल्स अराउंड द जॉइंट्स। तो मसल्स अराउंड द जॉइंट्स, अब जब हमने लिगामेंट्स की टैगिंग करवा दी उसके बाद सिंपली हमारे पास आया कि भाई अब इसको ग्लैनो ह्यूमरल को, और क्योंकि अनस्टेबल हम अनस्टेबल ज्वाइंट बोल रहे हैं, हमें कुछ और इसको देनी है, मसल्स आनी ही आनी है, तो हमने क्या किया एक मसल्स निकाला टेरिस माइनर मसल्स, टेरिस माइनर मसल्स जो कि उसको क्या बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स। अब रोटेटर कफ मसल्स सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहा था, रोटेशन में सपोर्ट करवा रहा था, क्योंकि नाम ही है उसका। अब हमने क्या किया कि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हमें प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन भी हमें करवानी है, एलिवेशन डिप्रेशन भी करवानी है और हमें सर्कुमडक्शन भी करवानी है, तो हमने क्या किया कि उस ग्रुप में तीन मसल्स और डाल दिए, कौन कौन से, सब स्कैपुलरिस, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस। अब क्या किया, उनका लोकेशन कहीं दूसरा, उनका ओरिजिन डिफरेंट नहीं होगा, उनका ओरिजिन वही होगा जो हमने लिगामेंट्स अटैच करवाए थे। अब ये क्या करेंगे, ये पोस्ट एरिया यानी कि सबसे ज्यादा आपको एक्सपोजर ग्लैनो ह्यूमरल ज्वाइंट में किधर मिल रही है, पोस्ट एरिया में, क्योंकि एंट्रली क्या है हमारे पास रिब्स है, तो एंट्रली हम अटैचमेंट नहीं करवा सकते, एंट्रली हमको पेक्टोरालिस मेजर माइनर मसल्स लेके आने होंगे, वो आएगा बाद में, लेकिन हमने स्कैपुलो ह्यूमरल जो हमारा लिगामेंट्स जो है उसी पे हमने रोटेटर कफ ग्रुप मसल्स, क्योंकि ये सारे सेपरेट मसल्स हैं, सब स्कैपुलरिस डिफरेंट होता है, सुप्रा स्पाइनेटस डिफरेंट होता है और इंफ्रा स्पाइनेटस डिफरेंट होता है, बट ये क्या करेंगे, ये सारे सारे मसल्स आएंगे टेरिस माइनर मसल्स के साथ मिलके और कैप्सूल को पूरी तरीके से स्ट्रेंथ कर दे देंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। अब ये आपकी ग्लैनो ह्यूमरल ज्वाइंट खत्म, सिंपल। अब इसमें आप रोटेशन करवाओ, इसमें आप सर्कमडक्शन करवाओ, इसमें आप सारे मूवमेंट करवाओ, सिंपली।